नमस्कार दोस्तों, दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो F1F, और इसमें हमारी ये कॉम्बो हमारा डैमेज हो गया। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप अपना ओप्पो F1F का कॉम्बो किस प्रकार से रिप्लेस करें। तो देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के, क्योंकि अगर आपने कोई भी स्टेप स्किप कर दी और वो आपसे मिस हो गई तो हो सकता है आपके फ़ोन के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या उत्पन्न हो जाए। तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा देखिएगा विदाउट स्किप के। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, वीडियो चालू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपको 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश प्राप्त करना है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अवेलेबल है। लिंक के ऊपर आप क्लिक करिए, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके अकाउंट के अंदर तुरंत ही 50 रुपीज़ का पेटीएम कैश प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आज हमारे पास एक ओप्पो का मोबाइल है, ओप्पो F1F, और इसमें हमारा ये कॉम्बो हमारा डैमेज है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप कॉम्बो अपना किस प्रकार से रिप्लेस करें। तो देखिए दोस्तों, हमने इसका ये बैक कवर ओपन कर रखा है, आप इसको इजीली ओपन कर सकते हो बहुत ही केयरफुली। और अब हमें क्या करना है, हमारी बैटरी को कनेक्टर को हमें रिमूव करना है। ये देखिए, हमने बैटरी कनेक्टर को रिमूव कर लिया और हमें ये इसको ऊपर करके हमारी ये बैटरी को रिमूव कर लेनी है। हमने बैटरी को रिमूव कर ली, हमारी ये डिस्प्ले कनेक्टर को हमें रिमूव कर लेना है टूजर की सहायता से। ये देखिए, हमने डिस्प्ले कनेक्टर को रिमूव कर लिया और अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमारा टच कनेक्टर को भी हमें रिमूव करना है। तो टच कनेक्टर को रिमूव करने के लिए हमें हमारा मदरबोर्ड को थोड़ा बाहर निकालना होगा। इसके लिए हमें क्या करना होगा, टॉप सेक्शन को ओपन करना होगा इसका, और हमें ये टॉप सेक्शन को भी इसका ओपन करना होगा। ये देखिए, हमने इसके टॉप सेक्शन को ओपन कर लिया और ये स्क्रू है, ये हमारे स्क्रू हमें ओपन करने हैं ताकि हमारा मदरबोर्ड हम बाहर निकाल सके। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको ओपन कर लिया। अब हमें हमारे मदरबोर्ड को थोड़ा सा ऊपर उठाना है इस प्रकार से, और ये हमारा सिम ट्रे दोस्तों हमें निकाल लेना है। सिम ट्रे हमने निकाला नहीं है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें हमारा ये बोन को हमारा रिमूव करना है। इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा गैप बनाएंगे, ये देखिए यहाँ से, और हमारा इसको नेल्स की सहायता से इसको अनलॉक करते चले जाएंगे और इसको हम ओपन करेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये इस प्रकार से हमें हमारा बोन को रिमूव कर लेना है। हमें ये बॉटम सेक्शन का भी स्क्रू ओपन कर लेना है ताकि हमारा इजीली हमारा ये ओपन हो जाए। ये देखिए, हमने इसका बॉटम का पूरा बोन को अलग कर लिया। और अब हमें क्या करना है, हमारा मदरबोर्ड को बाहर निकालना है। तो मदरबोर्ड को बाहर निकालने के लिए हमें इसका ये हमारे स्क्रू को ओपन करना होगा, मदरबोर्ड के दोनों स्क्रू को। हमें इसको ओपन करते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमें इसके सारे स्क्रू ओपन कर लेने हैं मदरबोर्ड को, ताकि हमारे मदरबोर्ड को हम इजीली बाहर निकाल सकें। अब हमें इसके चार्जिंग स्ट्रिप को हमारे को रिमूव करना है। ये देखिए, हमें ये रिमूव करने के बाद में अब हमारे मदरबोर्ड को हम थोड़ा सा अप करेंगे ताकि हमारे मदरबोर्ड को हम निकाल सकें। तो हमें ये मदरबोर्ड को रिमूव करना है, इसके लिए हमें इस प्रकार से इसको अप करना होगा। ये देखिए, मदरबोर्ड को निकालने के लिए अब हमें हमारा एंटीना स्विच को भी हमारे रिमूव करना होगा। हमने एंटीना स्विच को रिमूव कर लिया और देखिए, ये हमारा मदरबोर्ड हमने बाहर निकाल लिया। अब हम आपको बता देते हैं, ये हमारा टच का कनेक्टर है, ये हमारा डिस्प्ले कनेक्टर है और ये हमारी चार्जिंग स्ट्रिप है। अब हमारे मदरबोर्ड को हमने बाहर निकाल लिया। अब दोस्तों, हमें हमारा कॉम्बो को रिमूव करना है, तो इसके लिए हम SMD का इस्तेमाल करेंगे। हम SMD की सहायता से इसको कॉम्बो को रिमूव करेंगे।
देखिए दोस्तों, इसको हीट करने के बाद में अब हमें इसको रिमूव करना, हमें एक साइड से इसका निकालना है। तो हम ये इसको डैमेज है इस वजह से हम इसको निकाल रहे हैं, तो आपको इस प्रकार से इसको एक साइड से अपने निकाल लेना है। ये देखिए, और ये इस प्रकार से हमने इसको हीट कर लिया, तो ये इजीली हमारा निकल जाएगा। गर्म करने के बाद में आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक निकालना है, कहीं आपको चोट नहीं लगे, कहीं मिरर आपके चुभ नहीं जाए, इसलिए आपको सावधानी पूर्वक ही निकालना है। और ये देखिए, नीचे हमारा ये गम लगा रहता है, ये देखिए आपको बिल्कुल से केयरफुली निकालना है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा कॉम्बो हमारा हमने रिमूव कर लिया। ये देखिए हमारा ये डैमेज कॉम्बो है, और इसमें अब हम हमारा नया कॉम्बो लगाएंगे। इसके लिए हम इसका ईयर पीस को ये अलग कर लेते हैं, ताकि हम ये ईयर पीस स्पीकर इसमें लगा सकें। ये देखिए, इसको हम अलग रख लेते हैं, और ये हमारा डैमेज कॉम्बो है। अब हमें क्या करना है, हमें इसके ये गम उतार लेना है, ताकि हम इसके ऊपर नया कॉम्बो लगाएं, तो वो ईजिली हमारा इसके ऊपर फिक्स हो सके, किसी प्रकार का कोई उसमें डिस्टर्बेंस ना रहे। तो हमें ये इसका ये गम रिमूव कर लेना है, जो भी इसका ये गम लग रहा है। देखिए दोस्तों, अब हम इसमें नया कॉम्बो लगाएंगे। ये हमने नया कॉम्बो ले लिया हमारा, ये देखिए। और कॉम्बो लगाने से पहले हम इसमें हमारे 27,000 से इसको फिक्स करेंगे, यानी कि हमारे कॉम्बो को फिक्स करने के लिए हमारे ये गम लगाएंगे 27,000, जिससे हमारा कॉम्बो प्रॉपर वे में हमारा फिक्स हो जाए। तो देखिए हम किस प्रकार से इसमें कॉम्बो हमारा फिक्स करेंगे। हमारा ये स्पीकर वाला सिस्टम हम इसमें लगा देते हैं, ताकि हमारा स्पीकर का ये इसमें फिक्स हो जाए। ये देखिए, हम इसमें लगाते हैं हमारा, इस प्रकार से हमें ये लगा देना कॉम्बो के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमारा 27,000 को ये लेना है, और इसकी पेस्ट को हमें कॉम्बो के चारों ओर लगा देना, ताकि हमारा कॉम्बो हमारा फिक्स हो जाए, और किसी प्रकार की कोई समस्या इसमें ना रहे। ये देखिए, हमें इसमें चारों ओर ये गम लगा देना है। ये देखिए दोस्तों, हमें ये इस प्रकार से हमारा ये लगा लेना है चारों ओर में, और अब हमें हमारा कॉम्बो इसमें फिक्स करना है। हमारी ये फ्लेक्स को हमारे निकालना हमें यहाँ से बैक साइड से, ये देखिए हमने हमारी ये डिस्प्ले फ्लेक्स को यहाँ से निकालना है, और ये हमारी इसको यहाँ से निकालना है हमारी टच फ्लेक्स को, और इसको कॉम्बो को लाकर हमारे बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स कर रख देना है, जिसमें किसी प्रकार की कोई भी हमारी इसमें नहीं रहे। और हमें इसको पेपर को रिमूव कर लेना हमारा, Thank you.
इस प्रकार से रिमूव करके अब हम हमारे कॉम्बो को इसके अंदर फिक्स कर देना है। ये देखिए प्रॉपर वे में फिक्स हो जाए ताकि हमारा ये, और फिक्स करने के बाद में हमें इस प्रकार से थोड़ा सा प्रेस कर देना है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना हमें, ताकि हमारा कॉम्बो फिक्स हो सके चारों ओर से। ये देखिए हमें ये चेक कर लेना कि हमारा प्रॉपर वे में हमारा फिक्स हुआ है नहीं हुआ। तो ये देखिए हमारा प्रॉपर वे में फिक्स हो चुका है। और अब हमें क्या करना है, हमारा मदरबोर्ड लेना है। मदरबोर्ड लेने के बाद में दोस्तों हमें हमारा सबसे पहले काम हमें करना हमारा टच का फ्लेक्स को हमारा लगाना है। ये देखिए हमारी टच स्क्रिप्ट को हमें लगाना है, इसको हमें सावधानी पूर्वक लगाना है बहुत ही। ये देखिए हमने टच की स्ट्रिप को लगा दिया। लगाने के बाद में हमें इसके मदरबोर्ड को फिक्स करना है। ये देखिए इस प्रकार से, और हमें हमारा डिस्प्ले फ्लेक्स को लगाना है। चार्जिंग स्ट्रिप को लगाना है, डिस्प्ले फ्लेक्स को हमें सही तरीके से लगाना है बिल्कुल से, ताकि हमारी किसी प्रकार की कोई लूजिंग ना रहे। ये देखिए हमने डिस्प्ले फ्लेक्स को भी लगा दिया और हमारी टच फ्लेक्स को भी लगा दिया और हमारी स्ट्रिप को भी लगा दिया। अब हमें हमारे मदरबोर्ड के स्क्रू लगा लेने, ताकि हमारे जो मदरबोर्ड में किसी प्रकार की कोई मूवमेंट ना रहे। ये देखिए हमने हमारे मदरबोर्ड के स्क्रू लगा लिए। मदरबोर्ड के स्क्रू लगाने के बाद में हमें हमारा एंटीना स्विच को लगा लेना है इसमें। ये देखिए हमने एंटीना स्विच लगा लिया। अब हमें हमारी बोन को हमें ले लेना है, हमारे बोन को इसमें लगा लेना हमें, बहुत ही सावधानी पूर्वक लगाना हमें ये बोन। ये देखिए बोन लगाने के बाद में दोस्तों हमें हमारे ये जो हमने स्क्रू ओपन किए थे टॉप सेक्शन के, वो हमें लगा लेने हैं वन बाय वन करके। ये लगाने के बाद में दोस्तों हमें हमारा टॉप सेक्शन का ये हमारा लगा देना है ये इस प्रकार के, ताकि हमारा टॉप सेक्शन का पूरा कंप्लीट हो जाए बिल्कुल से। और इसी प्रकार से हमें हमारे बॉटम सेक्शन का भी हमें ये लगा देना है, ताकि हमारे बॉटम सेक्शन का भी हमारा ये कंप्लीट हो जाए। और हमारे स्क्रू को हमारे कस देना है ये देखिए, और ये बॉटम सेक्शन का भी हमें लगा देना है ये देखिए। अब दोस्तों हमें हमारा सिम ट्रे इसमें लगा देना है, हम सिम ट्रे लगा देते हैं हमारा। ये देखिए हमने सिम ट्रे लगा दिया। अब हमें हमारा बैटरी इसके अंदर इंसर्ट करना है। बैटरी इंसर्ट करने के बाद में हमें स्विच ऑन करना है और चेक करते हैं हमारा कॉम्बो को। ये हमने हमारे स्विच ऑन कर दिया हमारे मोबाइल को, और ये देखिए हमारे सामने ओप्पो लिखा हुआ आ रहा है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा मोबाइल ऑन हो चुका है, हम इसको चेक कर लेते हैं हमारा वर्क कर रहा है क्या। ये देखिए पासवर्ड लगा हुआ है, हम इसको ओपन करते हैं। ये देखिए हमारा बैटरी लो बोल रहा है हमें, हमारा ये ओपन हो गया। हम चेक करते हैं हमारा कॉम्बो वर्किंग में या नहीं है। ये देखिए हमारा लॉक लग खुल रहा है, और ये देखिए हमारा कॉम्बो प्रॉपर वर्किंग में है।
ये देखिए दोस्तों हमारा सब कुछ हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है, और हमारे ब्राइटनेस कम करते हैं हम। ये देखिए हमारा सारा सब कुछ काम कर रहा है। और अब हम आपको मॉडल चेक करा देते हैं, कौन सा मॉडल हमारा ये। हम इसकी सेटिंग में जाते हैं, सेटिंग में जाने के बाद में हम नीचे आते हैं अबाउट फोन में, और ये देखिए हमारे सामने मॉडल लिखा हुआ है F1F। ये देखिए दोस्तों F1F। तो देखा दोस्तों किस प्रकार से हमने हमारे F1F का कॉम्बो रिप्लेस किया। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो एक लाइक जरूर कर देना, और हाँ दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोगों को पता लग सके कि वो ओप्पो F1F का कॉम्बो कितनी आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे जो रेड कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ साथ में बेल अलर्ट को भी एक्टिवेट करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगर आप बेल अलर्ट एक्टिवेट करोगे तो जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका इंटीमेशन सबसे पहले आप ही को मिलेगा, और आप हमारा वीडियो सबसे पहले देख पाओगे।